वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक फिज़िक्स के प्रैक्टिकल जर्नल की वर्किंग के बारे में ये वीडियो जो है एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अपना प्रैक्टिकल वर्क यानी कि मैट्रिक फिज़िक्स का जो प्रैक्टिकल जर्नल आपने बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ मैट्रिक फिज़िक्स की प्रैक्टिकल जर्नल की बुक मौजूद है जो कि किसकी है, डॉक्टर सैफुद्दीन की है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी बुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पेज नंबर 3 में नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। याद रहे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक 1A है और एक 1B है। तो याद रहे सबसे पहले, जैसे कि आपने 9 में केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स बनाए हैं तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जर्नल बनाया जाता है। तो याद रहे ये आपके पास जो लाइन में स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन आ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल जर्नल डॉक्टर सैफुद्दीन का ओपन करेंगे। फर्स्ट पेज पर आपके पास जो है नेम इन्फॉर्मेशन और योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से फिर आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होता है, उसको आपने टच नहीं करना। नेक्स्ट पेज पर आपके पास इंडेक्स मौजूद होता है, तो आप इंडेक्स में एक्सपेरिमेंट नंबर 1A करके, ये 1A है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1A, उसमें आप ये पूरा ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट की हेडिंग सबसे पहली हेडिंग लगने के बाद आपको स्टडी द रिलेशन से लेकर सिलेंडर तक लिखना है। इसके बाद वही केमिस्ट्री की तरह आप सबसे पहले अपरेटस लिखेंगे हेडिंग लगाकर। फिर याद रहे हमारे पास जो हमने पेन यूज़ करने हैं वो ब्लू ब्लैक पेन है और ब्लू ब्लैक मार्कर हैं, इसके अलावा आपको कोई कलरफुल जो है मार्कर्स वगैरह यूज़ नहीं करने। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आप अपरेटस की हेडिंग लगाएंगे और ये सारी वर्क अपरेटस से लिखेंगे। थ्योरी की हेडिंग आपको लगानी है, थ्योरी लिखनी है, और इसी तरीके से फिर आपके पास मैथमेटिकली लिखेंगे और ये सारी चीज़ें आप मेथड ऑब्जर्वेशन ये सब आपको लिखना है। जो नहीं लिखना होगा मैं आपको मना कर दूंगा। ग्राफ भी आपको लिखना है, सॉरी ग्राफ नहीं लिखना आपको, ठीक है, फिगर लिखनी है आपको, फिगर बनानी है। डायग्राम पेज पर आपको पता होना चाहिए, एक फेयर पेज पर बनती है ये, और रिज़ल्ट लिखना है। प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, याद रहे। अच्छा, इसके बाद आपको जब आप फर्स्ट एक प्रैक्टिकल मुकम्मल कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकल नंबर 1B पर आएंगे। 1B पर आप फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की हेडिंग लाजमी आपको मेंशन करनी है ब्लैक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक पेन से लिखना है आपको, ब्लैक या ब्लू मार्कर से आपको हेडिंग ऑब्जेक्ट की लगानी है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, अपरेटस की हेडिंग लगाकर सारे अपरेटस लिखने हैं, थ्योरी लिखनी है, मेथड लिखना है, ऑब्जर्वेशन कॉलम नीट एंड क्लीन बनेगा इसी तरीके से, और फिर ये डायग्राम बनेगी, और फिर ग्राफ लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ ग्राफ लिखना है और रिज़ल्ट भी लिखना है। प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, याद रहे, ठीक है। और यहाँ ग्राफ पेपर लगेगा जब वो आप लोग लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो आपको इसको ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये आपको नहीं बनाने, जब आप लोग स्कूल आएंगे तो हम आपको अच्छे से इसकी वर्किंग करना सिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पर, आपके पास यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट की हेडिंग लाजमी लगानी है। ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये इसका ऑब्जेक्ट है, फिर अपरेटस, थ्योरी, मेथड, ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से दोनों चार्ट जो हैं आपको याद रहे। इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं चाहे प्रैक्टिकल नंबर 1 से, वो आपको नहीं लिखनी है। वैल्यूज़ जो हैं वो आपको जब आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट तब आपको लिखवाया जाएगा। इसी तरीके से फिर आपको ये दोनों कैलकुलेशन के चार्ट मेंशन करने हैं, कैलकुलेशंस लिखनी है, रिज़ल्ट लिखनी है, और इसी तरीके से आपको ओनली ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरीके प्रिकॉशंस इस एक्सपेरिमेंट में भी नहीं लिखनी। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम आपका 3A एक्सपेरिमेंट लिखेंगे ओनली, जो आपके पास है स्क्रू गेज, आपको यहाँ भी ऑब्जेक्ट की हेडिंग मेंशन करनी है। उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आप अपरेटस लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ स्फीयर का चार्ट बनेगा, कैलकुलेशंस की हेडिंग लगेगी, इसी तरीके से फिर रिजल्ट है, और आपको ये फिगर भी नीट एंड क्लीन बनानी है, ठीक है। प्रिकॉशंस यहाँ भी आपको मेंशन नहीं करनी।
आगे आ जाइए, थ्री का भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना। याद रहे थ्री का ए आप मेंशन नहीं करेंगे, ओनली एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ये सारा काम जो आपको बताया गया है इसी तरीके से लिखेंगे। और ये आप मैं आपको बताता चलूँ थ्री का भी नहीं लिखना है। और आपके पास ये जो मैं बुक मैं बता रहा हूँ इसमें जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कैलकुलेशन लिखी हुई हैं, आपको ये वाली नहीं लिखनी। जब आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू होंगी वो हम आपको लिखवाएंगे, यानी कि जो चार्ट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, कैलकुलेशन नज़र आ रही है, आपकी वैल्यू नहीं लिखनी। ओनली बस आपको ये बनाना है किस तरीके से बनी हुई है, सिंपली आपको इसमें वैल्यू जो है वो पुट नहीं करनी। आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर फोर की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आ तक जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट टू लाइंस के अंदर जितना भी जो भी लिखा हुआ है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे अपरेटस भी लिखना है, थ्योरी, प्रिंसिपल, मेथड, ऑब्जर्वेशन चार्ट, इसी तरीके से कैलकुलेशन का चार्ट बनेगा। बस ये वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी लाइनें वगैरह और ये W1, W D1, W2, D2 ये सब कुछ आपको इसी तरीके से करना है। रिज़ल्ट लिखना है, फिगर आपको लाजमी बनानी है। याद रहे प्रिकॉशंस आपको यहाँ पर भी नहीं लिखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव। एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव में आपके पास वेक्टर एडिशन आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। टू लाइंस के अंडर जो काम हुआ हुआ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना होता है हेडिंग लगाकर। ओके, ऑपरेटर्स, थ्योरी, मेथड, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपको लिखना है। डायग्राम भी बनानी है नीट एंड क्लीन। इसी तरीके से रिजल्ट भी लिखना है, पर इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपको नहीं लिखने। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब हम एक्चुअल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे लैब में तो जो वैल्यूज़ आएंगी हम वो लिखेंगे। ओके, प्रिकॉशंस आपको नहीं लिखनी है, हर एक्सपेरिमेंट में आपको प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। और ये स्पेसिमन शीट भी नहीं बनानी, ये जब आप आएंगे तो हम आपको ख़ुद बनाना सिखाएंगे। ओके, अब आ जाइए एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स की तरफ। सिंपल पेंडुलम, ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट टू लाइंस के अंदर जो वर्किंग लिखी हुई है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। एपरेटस लिखना है, थ्योरी, मेथड है, ऑब्जर्वेशन है, और इसी तरीके से फिर आपके पास क्या है, कैलकुलेशन चार्ट है, रिजल्ट है, फिगर है। फिगर आपको लाजमी बनानी है, प्रिकॉशंस इसमें भी नहीं लिखनी। चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सिक्स की तरफ, अर्गमाइट्स प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगाने के बाद आपको ये सारा लिखना है। इसके बाद एपरेटस की हेडिंग, थ्योरी, मेथड, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, फिगर। याद रहे आपको यहाँ पर भी प्रिकॉशंस नहीं लिखनी, ये आपको याद रहना चाहिए। आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर एट की तरफ, देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगेगी यहाँ से यहाँ तक, आपको एपरेटस पूरा लिखना है, थ्योरी, मेथड, ऑब्जर्वेशन, और इसी तरीके से ये रिजल्ट और ये डायग्राम। याद रहे यहाँ भी प्रिकॉशंस आपको नहीं लिखनी। एक्सपेरिमेंट नंबर नाइन, कन्वेक्स लेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ये टू लाइंस के अंडर जो लिखा हुआ होता है ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एपरेटस लिखना है, थ्योरी लिख। याद रहे मैं आपको ये बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो ये प्रैक्टिकल का काम दिया जा रहा है, जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे आपको ये प्रैक्टिकल जर्नल आपको सबमिट करवाना है। अगर आप लोग लेट सबमिट करवाएंगे तो फिर आपके मार्क्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं, तो आपको लाजमी अपना प्रैक्टिकल जर्नल घर में बैठ के नीट एंड क्लीन राइटिंग में बनाना होगा। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे लिखनी हैं, बाकी आपको वही नाइन की तरह फिज़िक्स का प्रैक्टिकल जर्नल ख़रीदना है और फिर उसमें अपनी वर्किंग शुरू कर देनी है। कन्वेक्स लेंस में देख सकते हैं आप लोग, एपरेटस आ गया, थ्योरी आ गई, मेथड आ गया, ऑब्जर्वेशन चार्ट बनानी है लाजमी, कैलकुलेशन लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, फिगर लिखेंगे, प्रिकॉशंस यहाँ भी नहीं बनानी, ये दोनों डायग्राम्स बनेंगी। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की तरफ जाते हैं, 10th ए की तरफ, मैग्नेटिक लाइंस। आपको या आपका यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की हेडिंग लगेगी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से थ्योरी में ये सब कुछ लिखना है, मेथड में ये सब कुछ लिखना है, रिजल्ट लिखना है, फिगर लिखनी है, प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ होगी, ये भी जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तभी बनेगी, आपको ये डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। ये वाली डायग्राम बनानी है अभी आपको सिर्फ। ओके, 10 का बी जो है बेटा वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे, वही सिर्फ 10th का ए ही करना है। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट की हेडिंग मेंशन करते हैं आप, और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट लिखते हैं ब्लैक पॉइंटर से। उसके बाद एपरेटस, थ्योरी, मेथड, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, और इसी तरीके से रिजल्ट, ये वाली फिगर आपको लाजमी बनानी है, प्रिकॉशंस आपको नहीं लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको ये शीट भी नहीं बनानी है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो तभी बनेगी।
अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 12 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में आपके पास कनकेव मिरर है, आपको इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है, अपरेटस लिखना है, थ्योरी लिखनी है, मेथड है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन याद रहे, जो वैल्यूज़ इसमें मेंशन है पेंसिल से आपको नहीं करनी है, आपकी वैल्यूज़ अलग आएंगी। ये रिजल्ट है, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम आपको इसकी वैल्यूज़ लिखवा देंगे। और ये फिगर है, प्रिकॉशंस नहीं लिखनी इसकी भी। और इस तरीके से हमारा ये जो है अगला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑब्जेक्ट है, फिर इसी तरीके से अपरेटस, थ्योरी, मेथड, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये आपकी फिगर आपको लाजमी बनानी है। आपको यहाँ पर ये प्रिकॉशंस नहीं लिखनी है। याद रहे ये शीट्स भी जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तभी बनेंगी, आपको अभी नहीं बनानी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है प्रिज्म वाला। यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है, अपरेटस लिखना है, थ्योरी लिखनी है, मेथड लिखना है, ऑब्जर्वेशन। याद रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अपने प्रैक्टिकल जर्नल में ओनली ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू पेन, ब्लैक पॉइंटर, सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करनी है। आपको कलरफुल कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। डायग्राम सारी पेंसिल से बनेंगी, ठीक है। ये रिज़ल्ट है और ये फिगर आपको बनानी है और प्रिकॉशंस नहीं लिखनी। और इसी तरीके से इसके सामने जो स्पेसिमेन शीट बनी हुई है, ये आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो तभी बनाएंगे, अभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिकल जर्नल की वर्किंग बता दी गई है, आपको लाजमी अपने घर पर बैठकर ये डन करनी है, ताकि जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो आपका प्रैक्टिकल जर्नल सबमिट कर लिया जाएगा। वही उन्हीं स्टूडेंट्स को सिर्फ लैब परफॉर्म करवाई जाएगी जिन स्टूडेंट्स की वर्किंग जो है प्रैक्टिकल की वर्किंग जो है कम्प्लीट होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक इंक पेन, ब्लैक पॉइंटर का यूज़ करना है, इसके अलावा किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना। और ब्लैक पेंसिल से आप सारी डायग्राम्स बनाएंगे, कलरफुल कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना प्रैक्टिकल जर्नल सबमिट लाजमी वर्किंग डन कर लीजिए प्रैक्टिकल जर्नल की, ताकि जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो जब लैब्स होंगी तो आपकी लैब जो है आपको परफॉर्म करने के लिए मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट नहीं करवाएंगे, सबमिट नहीं करवाएंगे, याद रहे उनको लैब में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आपको लाजमी अपना प्रैक्टिकल जर्नल जो है वो लाजमी कंप्लीट करके रखना है, ताकि जैसे ही स्कूल्स ओपन हो तो हम आपका प्रैक्टिकल वर्क चेक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।